एलएसी तनाव के बीच चीन के एक पूर्व कमांडर ने सनसनीखेज दावा किया है। जिनपिंग की आर्मी के पूर्व ऑफिसर ने कहा है कि चीन को हिंदुस्तानी शूरवीरों से सतर्क रहना चाहिए। लद्दाख में भारतीय सेना की मौजूदगी का जिक्र करते हुए चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांडर के कमांड के पूर्व ऑफिसर ने पीएलए को चेतावनी दी है। उन्होंने ये तक दावा किया कि सर्दी में अगर भारतीय सेना से टक्कर हुई तो चीन बुरी तरह हार सकता है। गलवान में हिंदुस्तानी बलवानों की ऐसी ही वीरता से भयभीत है चीन की चींटी सेना। हिंद के शेरों की तहार से डरा हुआ ड्रैगन कांप रहा। भारतीय शूरवीरों के शौर्य पर बीजिंग में बेहिसाब चर्चा हो रही है। चाइनीज आर्मी के जवान डरे हुए हैं, अफसर डरे हुए हैं। गर्दन तोड़ प्रहार के बाद से जहरीले जिनपिंग के तमाम सिपह सालार खौफ जदा। खौफ में ड्रैगन, इंडियन आर्मी करेगी आक्रमण। बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग, टेंशन में जिनपिंग। दहशत में जवान, अफसर पीएलए ने किया सरेंडर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गर्दन तोड़ प्रहार के बाद से चीन के ठिगने जवान बेहद डरे हुए हैं। यहां तक कि पूर्व अफसर भी पीएलए के कमांडरों को चेता रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले चाइनीज आर्मी के हवाले से ब्रिटिश अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि हिंदुस्तान और ताइवान दोनों से एक साथ लड़ने में पीएलए की सेना सक्षम नहीं है। और अब इसी बात को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस डर को सामने रखा है, इसे साझा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल वांग होंगवांग, चीन के स्टर्न कमांड के पूर्व डेप्यूटी कमांडर। चाइनीज आर्मी के पूर्व अफसर ने पहले चाइनीज आर्मी की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि बर्फीली पहाड़ियों पर ड्रैगन पस्त हो जाएगा। लद्दाख में खूनी झड़प के बाद जिस तरह पहाड़ियों के बीच में तनाव का मीटर ऊपर चढ़ा हुआ है, उससे चाइनीज एक्सपर्ट डरे हुए हैं। और डर की वजह है कि चीन के कायर जवानों की कमजोरी। दरअसल चीन की सेना को सर्दियों में लड़ने की ना तो हिम्मत है और ना ही तजुर्बा। इस समय जिन पहाड़ियों पर तनाव पसरा हुआ है वहां पर सर्दियों में भयानक बर्फ गिरती है और चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि लद्दाख में सर्दियां शुरू होने से पहले वहां तैनात चीनी सैनिकों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ चुकी है, जबकि भारतीय सेना को सियाचिन जैसी ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन का अनुभव। चीन के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, जिस तरह से पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तानी शूरवीर पहाड़ों को कब्जाए हुए बैठे हैं गलवान, उससे ड्रैगन कैंप में जबरदस्त खौफ। भारत और चीन के बीच हिमालय के गलवान में मई और जून के महीने में ही तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद जून के महीने में पेंगोंग में झड़प होती है, फिर अगस्त के महीने में दक्षिण पेंगोंग में झड़प होती है। इन झड़पों की वजह से ही हिमालय की चोटियों पर आज बड़ी संख्या में भारतीय सेना की तैनाती हुई है। चीन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वांग होंगवांग के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पीएलए के डर की उदाहरण समेत व्याख्या की है। अखबार के मुताबिक वांग ने रक्षा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ली जियान पर एक आर्टिकल में यह चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान पर एलएसी पर सिर्फ 50,000 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन इस बार सर्दी आने पर सैनिक कम करने की जगह उसने 1,00,000 और सैनिकों को लद्दाख भेज दिया है। भारत ने एलएसी के पास सैनिक 2-3 गुना बढ़ा दिए हैं। इनमें से ज्यादातर चीनी क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं और कुछ ही घंटों में चीन के अंदर आ सकते हैं। चीन के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, हिंदुस्तान के कब्जाधारी जवान एलएसी के पास गलवान में बम बारूद लेकर बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी की इस कब्जाधारी यूनिट एक्शन में, यही वजह है कि चीन की पीएलए के वॉर रूम में दहशत। चीन के पूर्व अफसर भारत की तरफ से आक्रमण को लेकर चेता रहे हैं, ड्रैगन को अलर्ट रहने की नसीहत दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजिंग के विश्वासघाती बादशाह के दरबार में हाई लेवल माथापच्ची जारी। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,